अब देख रहे जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डेटा लॉगर के एक्सेस की जानकारी सामने आई, इसे ट्रेन का ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। यह वही डेटा लॉगर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने दिखाया था। ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई। क्या हुआ चौंकाने वाला खुलासा, आइए देखते इस रिपोर्ट में। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। डेटा लॉगर से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन के होम सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों पर हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन अचानक से पहले अपलाइन पर फिर लूप लाइन पर सिग्नल रेड हो जाता है। लूप लाइन पर ही कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी तब कोरोमंडल ट्रेन बहनका बाजार स्टेशन के पास पहुंचना शुरू कर देती है। उस वक्त कोरोमंडल ट्रेन को होम सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों पर हरी झंडी दी गई। अचानक अप लाइन का ट्रैक लाल हो जाता है और फिर लूप लाइन का ट्रैक भी लाल हो जाता है। इसी पर मालगाड़ी खड़ी थी। लॉक पर समय 18:55 था। इस पूरे हादसे को डाटा लॉगर पर देखा जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब दोनों लाइनों पर ग्रीन सिग्नल थे तो अचानक अप लाइन पर रेड सिग्नल क्यों हो गए, जिसके चलते ड्राइवर को कोरोमंडल ट्रेन लूप लाइन में ले जाना पड़ा। क्या यह ह्यूमन एरर था या साजिश के तहत इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, इन सब का पता लगाने के लिए सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। कारी पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित करने पर सहमति दर्शाई है। पहलवानों को क्या दिया गया आश्वासन, क्या सही में पहलवानों को मिलेगा न्याय, देखते इस खास रिपोर्ट में। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की यह बैठक 5 घंटे तक चली। खेल मंत्री द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवान 15 जून तक अपना आंदोलन टालने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए जानते हैं कि सरकार और पहलवानों के बीच किन बातों पर सहमति बनी। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं। पहलवानों का आश्वासन दिया गया है कि 15 जून तक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव जून के अंत तक होंगे। पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ 15 जून तक जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी। 30 जून तक WFI के चुनाव कराए जाएंगे। 28 मई की घटना के लिए पहलवानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। WFI के ICC का गठन किया जाएगा और एक महिला इसका नेतृत्व करेगी। खेल मंत्री से मिलने के बाद बजरंग पुनिया ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत हुई है। 15 जून तक पुलिस को प्रक्रिया पूरी करने को बोला है, तब तक हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जीएस भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय MPC बैठक के नेताओं का ऐलान कर दिया था। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आया। महंगाई को लेकर RBI गवर्नर ने आखिरकार क्या बड़ा ऐलान किया, क्या है EMI भरने वालों के लिए खबर, आइए देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर के बाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय MPC बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की इस दूसरी बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर रखा है। इससे पहले अप्रैल महीने में हुई बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी 6.5% पर स्थिर रहेगी और EMI भरने वालों को बोझ नहीं बढ़ेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि CPI मुद्रास्फीति अभी भी हमारे 4% लक्ष्य से ऊपर है और हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 में इससे ऊपर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि SDF दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा व बैंक दरें 6.75% बनी हुई है।
बीते 6 जून को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। उन्होंने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दी मई 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक के बाद एक लगातार रेपो रेट में इजाफा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTP।